जहां जिले में काफी बड़े क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। अधिकतर किसान रोपा विधि से धान लगाते हैं। इसकी तुलना में मेडागास्कर की विधि, जिसे SRI श्री विधि कहा जाता है, उससे धान लगाना अधिक लाभकारी माना जाता है। इसमें कम पानी, कम बीज और बिना खरपतवार के धान का अच्छा उत्पादन होता है। परंपरागत विधि से किसान को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल धान की उपज मिलती है। वहीं इसकी तुलना में श्री विधि से धान लगाने पर प्रति हेक्टेयर 35 से 50 क्विंटल तक धान का उत्पादन होता है। उप संचालक UP बागरी कृषि ने किसानों से धान रोपण के लिए श्री विधि अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तकनीक किसानों के लिए वरदान है। उप संचालक UP बांगरी ने बताया कि श्री विधि से प्रति हेक्टेयर केवल 6 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। इसे विशेष तरह की प्लेट अथवा पॉलिथीन में नर्सरी लगाकर तैयार किया जाता है। इसमें भुरभुरी मिट्टी तथा राख का होना आवश्यक है, जिसके लिए 10 मीटर लंबी तथा 5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं। इसमें 50 किलो नाडेप अथवा गोबर की खाद मिलाकर बीजों की बोनी करें। बोनी से पहले बीजों को थायरम दवा से उपचारित करें। प्रत्येक क्यारी में 120 ग्राम की बोनी करें। इन्हें ढककर हल्की सिंचाई करें। धान रोपित करने के लिए खेत को गहरी जुताई करके उसके खरपतवार नष्ट करें। खेत में पर्याप्त पानी देकर रोपाई के लिए खेत तैयार करें, जिसमें नर्सरी में तैयार धान के 15 से 21 दिन के पौधे रोपित करें। तैयार खेत में मार्कर हल की सहायता से 20-20 सेंटीमीटर दूरी पर निशाना बनाएं। इन निशानों पर धान का केवल एक पौधा रोपित करें। उन्होंने सलाह देते हुए किसानों को कहा कि पौधे से पौधा तथा कतार से कतार की दूरी 2 सेंटीमीटर रखें। पौधों के बीच में पर्याप्त अंतर होने पर उन्हें पर्याप्त हवा तथा नमी प्राप्त होगी। कतार में पर्याप्त दूरी रहने पर खरपतवार होने की स्थिति में कोना वीडर की सहायता से इन्हें आसानी से निकाल कर खाद बनाई जा सकती है। मृदा हेल्थ कार्ड में खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों के अनुसार खाद का उपयोग करें। इसमें गोबर की खाद, नाडेप तथा वर्मी खाद का अधिक उपयोग करें। धान रोपित करने के 15 दिन बाद कम मात्रा में यूरिया का छिड़काव किया जाता है। श्री विधि से धान लगाने पर खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन खेत में नमी बनी रहे इसकी व्यवस्था करें। जिस समय धान के पौधों में वृद्धि हो रही हो, उस समय खेत को 2 से 3 दिनों के लिए सूखा छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद फिर से हल्की सिंचाई करके खेत को नम करना चाहिए। इस विधि से किसान 35 से 50 क्विंटल तक धान प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में किसान कृषि विस्तार अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 News.